खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने 4 वर्ष बाद पार्टी ने संगठन स्तर पर बदलाव किया है। अब जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष के पद पर लखनलाल खंडेलवाल को नियुक्त किया गया है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके पहले वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले रीवा में संगठनात्मक बदलाव किया गया था। इसके चलते त्रियोगी नारायण शुक्ला को ग्रामीण और गुरमीत सिंह मंगू को शहर अध्यक्ष बनाया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पार्टी ने अपने अध्याय बदल दिए हैं। लखनलाल खंडेलवाल वर्तमान में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पुराने नेता हैं। पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं, जिसके चलते अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर नव नियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने कहा कि संगठन ने जो कार्य दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। सभी को साथ लेकर आगे पार्टी को मजबूत करेंगे। संगठन बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसे पूरा करने का प्रयास होगा। आइए आपको सुनाते हैं नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने क्या कहा है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है शहर अध्यक्ष बनाया, निश्चित रूप से काफी जिम्मेदारी का पद दिया है। और ये जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि ये चुनावी वर्ष है, तो नए साल में सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल है, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और जैसे कि जिम्मेदारी ये हमको मिली है, मैं हर तक प्रयास करूंगा जो जिम्मेदारी मिली है उस पर कार्य निर्वहन करें। और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सबके मार्ग निर्देशन में इस पार्टी का कार्यक्रम को करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है और अपनी जो कांग्रेस पार्टी की भावना है उसको जन जन तक पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी गलत विषय हैं उन सबको जनता तक ले जाके बताना कि इस पार्टी ने केवल धोखा दिया है और झूठ बोलने की पार्टी है और उस पर लोग विश्वास ना करें। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी से लेकर आज तक जो काम किया है, बलिदान दिया है, आज़ाद कराया है देश को, और जो देश निर्धन हुआ करता था, सुई कहते हैं नहीं बनती थी, आज सब कुछ हमारे देश के अंदर है, तब कांग्रेस की देन है। जन जन तक ले जाना है और निश्चित रूप से कांग्रेसी वर्ष इस बार चुनावी वर्ष है और प्रयास यही रहेगा, जो हम पर विश्वास किया गया उस पर खरे उतरे। सभी को मार निर्देशन में आदरणीय कमल चुनाव मुद्दे क्या मुद्दे क्या मुद्दे हमारे पास रीवा के हिसाब से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास देख रहे हैं कि पूरे शहर की सारी जो ज़मीनें हैं समडड़ियों को दे दी गई है। आज शहर के अंदर कोई भी कंसर्न शासकीय अगर आता है तो ज़मीनें ढूंढने को नहीं मिलेगी और कंक्रीट के रोड और पुल पुलिया बना देने से किसी को रोज़गार नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और गरीबी और जिस तरह से लोगों का इस समय पूरा व्यापार नष्ट है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जहाँ भी देखिए तो सभी लोगों के साथ छला गया है, सभी को छला गया है और देखने का कुछ ज़्यादा बहुत है नहीं, तो निश्चित रूप से मुद्दे ही मुद्दे हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है और आम जनता तक निश्चित रूप से निराशा है। यही सारी सब बातें हैं जो हम लोगों तक ले जाएंगे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले और गली गली तक पहुंचाना है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको ले जाना है, यही सारी चीज़ें हैं। किनको धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार किनको व्यक्त करना? पहले तो हमारे संगठन के जो मुख्य हैं कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने हम पे आशीर्वाद दिया है और ये कुछ किया। और हमारे सारे जो रीवा के अंदर जितने लोग हैं जिन लोगों ने प्रयास किया है, अजय मिश्रा है, राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजेंद्र मिश्रा जी हैं, मुजीब जी हैं, ब्रजभूषण शुक्ला जी हैं, चंदमणि शुक्ला जी हैं, और हमारे सारे लोग हैं जितने भी जितने वरिष्ठ हैं सारे लोगों का सहयोग है। और उन लोगों के हिसाब से ही हमें ये सब पोस्ट दिया गया है, किसी से हमारी व्यवस्था है नहीं। मंगू जी हैं जिन्होंने पूरे रीवा में निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़ा काम किया है, वो उन्होंने एक टीम तैयार किया, उनका भी मार्ग निर्देशन रहेगा और सभी को साथ में लेकर हमें कांग्रेस पार्टी को आगे तक ले जाना है। और निश्चित रूप से इस बार जैसे कि महापौर हमारा जीता है, इसी प्रकार से विधायक भी बनेगा और जो अगला 18 में अपन लोग चुनाव जीते थे एक बार फिर पुनः कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और आगे लोगों की सेवा करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विजयी होगी।